arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास, वाचक स्वर पद्मा मणि। 1688 ईस्वी के वैभवपूर्ण क्रांति का महत्व और परिणाम। यह क्रांति एक युग निर्माणकारी घटना है। इस क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड में लोकप्रिय सरकार का युग प्रारंभ हुआ और सत्ता निरंकुश स्वेच्छाचारी राजाओं के हाथों से निकलकर संसद के हाथों में आ गई। इसके परिणाम जो हुए वो इस प्रकार हैं। पहला, राजा और संसद के मध्य संघर्ष का अंत। इस क्रांति के फलस्वरूप स्टुअर्ट राजाओं और संसद के मध्य दीर्घ काल से चले आ रहे संघर्ष का अंत हो गया। इस संघर्ष में संसद की विजय हुई। अब इंग्लैंड में वास्तविक शासक संसद बन गई। दूसरा, वास्तविक संप्रभुता संसद में निहित। क्रांति के समय संसद ने बिल ऑफ राइट्स पारित कर उस पर विलियम और मैरी की स्वीकृति ले ली। इससे राजा द्वारा संसद की संप्रभुता स्वीकार कर ली गई और राजा की सर्वोच्च राजसत्ता और शक्ति समाप्त कर दी गई। अब जनता की सत्ता सर्वोपरि मान ली गई। राजा सिद्धांत में प्रभुता संपन्न रहा, पर वास्तविक व्यवहार में संसद सर्वोपरि हो गई। तीसरा, संसद की सर्वोच्चता। राजा अब संसद की स्वीकृति के बिना कोई कर नहीं लगा सकता था। नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करना, कानून बनाना और कर लगाना संसद के अधिकारों के अंतर्गत आता था, न कि राजा के अंतर्गत। राजा संसद के अधिकारों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। चौथा, राजा के दैवीय सिद्धांतों की समाप्ति। इस क्रांति के द्वारा राजा के दैवीय अधिकारों की समाप्ति कर दी गई। संसद द्वारा पारित किसी कानून को निरस्त करने का राजा का अधिकार समाप्त हो गया। अब राजा मनमाने ढंग से शासन नहीं चला सकता था। पांचवा, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना। क्रांति से पूर्व राजा सर्वोपरि था, परंतु इसके बाद राजा संसद के अधिनियम के अंतर्गत आ गया और वह सामान्य व्यक्ति रह गया। अब राजा की स्वेच्छाचारिता समाप्त हो गई। उसके अधिकार संसद द्वारा प्रतिबंधित, सीमित और नियंत्रित कर दिए गए। अब इंग्लैंड में वैधानिक राजतंत्र का युग प्रारंभ हो गया। संसदीय प्रणाली का शासन प्रारंभ हुआ। छठवां, सेना पर संसद का अधिकार। अब तक सेना राजा के अधीन थी। क्रांति के बाद संसद ने विद्रोह अधिनियम पारित कर सेना पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। इससे राजा की सैन्य शक्ति समाप्त हो गई और सेना में व्याप्त बुराइयां एवं अव्यवस्था भी दूर हो गई। सातवां, इंग्लैंड का धर्म एंग्लिकन और कैथोलिक खतरे का अंत। बिल ऑफ राइट्स में यह स्पष्ट कर दिया गया कि कोई कैथोलिक राजा या वह जिसका विवाह कैथोलिक से हुआ हो इंग्लैंड के राजसिंहासन पर आसीन नहीं हो सकेगा। इस प्रकार इंग्लैंड सदा के लिए कैथोलिक खतरे से मुक्त हो गया। अब धार्मिक क्षेत्र में भी यह स्पष्ट कर दिया गया कि एंग्लिकन धर्म इंग्लैंड का वास्तविक धर्म है। चर्च पर से राजा के अधिकारों का अंत कर दिया गया। धर्म के मामले में भी पूर्ण रूप से उत्तरदायित्व संसद का था। आठवां, गृह और विदेश नीति का निर्धारण संसद के द्वारा। क्रांति के बाद गृह और विदेश नीति का निर्धारण संसद की स्वीकृति एवं परामर्श के द्वारा किया जाने लगा। इससे इंग्लैंड की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई और उसके औपनिवेशिक साम्राज्य का विस्तार हुआ। नवा, यूरोप की राजनीति पर प्रभाव। इंग्लैंड की इस शानदार क्रांति का प्रभाव यूरोप के अन्य देशों पर भी पड़ा। अब तक यूरोप में निरंकुश स्वेच्छाचारी शासन ही आदर्श व्यवस्था मानी जाती थी, परंतु इस क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोप में भी वैधानिक राजतंत्र और प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली के लिए आंदोलन प्रारंभ हुए। उदाहरण के लिए फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति को प्रेरणा इंग्लैंड से मिली। दसवां, स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना। गौरवपूर्ण क्रांति के प्रभाव स्वरूप इंग्लैंड में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना हो गई। अन्य न्यायालयों पर भी राजा का नियंत्रण नहीं रहा। ग्यारहवां, जनता में नई चेतना का जन्म।
इस क्रांति के परिणाम स्वरूप निरंकुश राजाओं का शासन समाप्त हो गया। निरंकुश राजाओं के शासनकाल में जनता का स्वतंत्र विकास नहीं हो सकता था। इस क्रांति के बाद जनता को स्वतंत्र रूप से सोचने तथा काम करने का अवसर मिला। अब जनता स्वयं को अपने भाग्य का निर्माता समझने लगी। फलस्वरूप जनता में नई चेतना का संचार हुआ, जिससे इंग्लैंड में लोकतंत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण सहायता मिली। 12वां, इंग्लैंड की विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति। गौरवपूर्ण क्रांति के पश्चात इंग्लैंड ने औपनिवेशिक, राजनैतिक आदि क्षेत्रों में पर्याप्त प्रगति की। प्रशासन ने देश के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की ओर ध्यान दिया। 13वां, बिल ऑफ राइट्स पारित, यानी संसद की प्रमुखता। 1688 ईस्वी में गौरवपूर्ण क्रांति ने राजा के दैवीय अधिकारों को सदा के लिए समाप्त कर दिया। 22 जनवरी 1689 ईस्वी को संसद ने बिल ऑफ राइट्स पारित किया। इसके द्वारा पहला, राजा संसद की स्वीकृति के बिना सेना नहीं रख सकेगा, शांति काल में भी वह स्थायी सेना नहीं रख सकता। दूसरा, संसद की स्वीकृति के बिना राजा कोई कर नहीं लगा सकता। तीसरा, राजा न तो किसी कानून को स्थगित कर सकता है और न ही किसी व्यक्ति को कानूनी अपराध से मुक्त कर सकता है, और न ही हाई कमीशन जैसे न्यायालय स्थापित कर लोगों को दंडित ही कर सकता है। चौथा, संसद के सदस्यों को भाषण देने और बहस करने की स्वतंत्रता होगी। पांचवा, जब तक किसी व्यक्ति पर अपराध सिद्ध न हो जाए तब तक उसे दंडित नहीं किया जा सकता। छठवा, भविष्य में इंग्लैंड के सिंहासन पर कैथोलिक व्यक्ति नहीं बैठेगा। सातवा, विलियम तथा मैरी के पश्चात उनकी संतान और उनके अभाव में मैरी की बहन एन को तथा उसके पश्चात एन की संतान और उसके अभाव में विलियम के अन्य पत्नियों से उत्पन्न संतान को इंग्लैंड के राज सिंहासन पर आसीन होने का अधिकार होगा। बिल ऑफ राइट्स का महत्व। राजा की निरंकुशता हमेशा के लिए समाप्त हो गई। राजा अब संसद पर पूर्णतया निर्भर हो गया। संसद की शक्ति और अधिकार सर्वोपरि हो गए। देश की आर्थिक, गृह एवं विदेश नीति पर संसद का अधिकार हो गया। अब इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र का युग प्रारंभ हुआ। देश में संसद सर्वोच्च शक्ति हो गई। निष्कर्ष। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि 1688 ईस्वी की क्रांति वास्तव में उदारवादी विचारों एवं परिवर्तन की नई भावनाओं की विजय थी। इस क्रांति ने धार्मिक क्षेत्र में सहनशीलता और सहिष्णुता को जन्म दिया। arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।